अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल इकबाल आज आपको लव दिखाएगा। नहीं नहीं, आपको नहीं, एक्चुअली मैं लव का स्कल्पचर दिखाऊंगा आपको। और जब मैंने देखा था तो मैंने सोचा था आखिर क्या सोच के इसका नाम लव रखा गया था, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आज हम आपको प्यार दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जी दोस्तों, ये आप मेरे पीछे कुछ देख रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, आपको नहीं कोई कुछ कह सकता, मेरे होते तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये कहा गया है मिलान स्टॉक एक्सचेंज को। एक्चुअली ये जो स्कल्पचर है ये आर्टिस्ट ने बनाया है मिलान स्टॉक एक्सचेंज के सामने, ताकि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और फाइनेंसर्स को अपना प्यार दिखा सकें। एक्चुअली कि जब 2010 में, जबकि इटली में बहुत ही ज़्यादा रिसेशन चल रही थी, इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो उस वक्त एक आर्टिस्ट था, उसने ये स्कल्पचर बनाया और अपने खराज तहसीन पेश किया मिलान स्टॉक एक्सचेंज को। ना सिर्फ मिलान स्टॉक एक्सचेंज को बल्कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को। और सबसे मज़े की बात, इस स्कल्पचर का नाम है लव। लव, हाँ, प्यार वाला लव नहीं। एक्चुअली इटालियन में लव ये है कि एल फॉर लिबर्टा, ओ फॉर ओडियो, वी फॉर वेंडेटा एंड ई फॉर एटर्निटी। इंग्लिश में फ्रीडम, हेट, वेंजेंस एंड इटर्निटी। तो ये जो प्यार का शहकार आप नज़र आ रहा है, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए था। और जबकि बाद में ये कहा गया था कि कुछ अरसे बाद इसको ख़त्म कर देंगे या तोड़ देंगे, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं ये यहीं पे कायम है। और जब भी कोई सुबह फाइनेंसर या जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले आते हैं, वो इसी को देख के गुजरते हैं और उनको भी वो प्यार फील होता है जो कि इसको बनाने वाले आर्टिस्ट ने उनको दिखाया था। तो आज की इस अनोखी चीज़ को दिखाने के बाद मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।